भाई और बहनों, इंसान को शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया घूम जाती है। ऐसे तो म्यूजिक की सीढ़ियाँ बाजार में बहुत बिकती हैं, लेकिन पंजाबी गाना गाने के लिए जो कलेजा चाहिए वो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकता। जट उसे लेके पैदा होता है। is to make someone laugh and rare of them get this blessed with this ultimate talent. Yes, we are here in Smart City Ludhiana to introduce you to the pride of Ludhiana and best comedy of our India, Mr. Jaswant Singh. So, देखते हैं आज on set वो हमें कितना हंसाने वाले हैं। जन्म भूमि तो ये है, कर्म भूमि वो है, तो ये दो चीजें क्या जो रापता है हमेशा मेरे दिल के करीब है। And we heard you were the funniest character of comedy circus. तो वो मोमेंट आपके कैसे रहे जब आपको ये देखने को मिलता था कि सबसे ज्यादा आप हैं वहाँ पे, और ऑन स्टेज पंजाबी से बहुत अप्रिशिएट किया था कि सबसे ज्यादा मिस्टर जसवंत सिंह है जो स्टेज पे आके सबको हंसा सकते हैं, तो वो मोमेंट्स आपको कैसे रहे जब सबसे बहुत अप्रिसिएशन मिला? जी देखिए, पहले हम तो मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और हिंदी फिल्में देखता था, तो जो वहाँ पे लाफ्टर चैलेंज देखा तो सबका सपना होता है कलाकार का कि इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, तो मैं सोचता था यार मुझे हिंदी तो आती नहीं, वहाँ पे कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हंसाएंगे। तो वहाँ सिद्धू साहब बैठे थे तो उनको देख के ऐसा लगता था यार कोई समझे ना समझे ये तो समझेंगे। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं हमें बड़ी प्रेरणा देती थी। लेकिन जब वहाँ गए तो कई बार आपको खुद को नहीं पता होता अपने टैलेंट का, वो लोग बड़े पारखी हैं मुंबई के, तो जब गए थे सिर्फ ये सोच के गए थे कि एक आध एंट्री करेंगे, आ जाएंगे सीढ़ी लेके काम करेंगे, शौकिया गए थे, लेकिन वो भगवान ने प्रोफेशन बना दिया, ये बड़ी कृपा है, आई एम वेरी लकी कि ये मेरा पैशन जो था प्रोफेशन बन गया। तो आपको क्या लगता है जैसे ये सबसे हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, तो आपके लिए इस चीज में मतलब आप इस चीज को क्या रियल में भी फील करते हैं कि ये चीज सबसे ज्यादा टफ है? देखिए, दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपका नजरिया क्या है। देखिए वो होता है कि फॉर एग्जांपल ये हंसी वाली ऐसी बात है कि आप ज़बरदस्ती कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो मैं सबसे बड़ा मस्करा मानता हूँ ईश्वर को, ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है कॉमेडी ही की है। okay. और उसके बाद मैं अगर टीवी में देखूँ फिल्मों में देखूँ तो चार्ली चैप्लिन से बड़ा मस्करा कोई नहीं है जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले हंसाया है ना। तो एफर्टलेस जो चीज़ होती है वो दिल के करीब होती है ना, ये कॉमेडी भी ऐसी ही है। अगर मैं कोई दादागिरी करके ये करूँगा ना तो मेरे अंदर एक इनोसेंस जो होगी वो मैं अगर दिल में उतरूँगा तो कनेक्ट करूँगा तो आप हंसेंगे। अगर मैं कुछ अपना एटीट्यूड रख के या कुछ अपने आप को ऐसा बना के पेश करूँगा तो फिर वो नहीं हंसेंगे। उसके लिए मुझे लगता है कॉमेडी के लिए सबसे ज़्यादा है सादगी। जितना आप गहराई में रहो, ऑब्जर्व करो लोगों को, उतना ही आप निखरते हो कॉमेडी में। कॉमेडी मिट्टी में मिलती है, एसी रूम में नहीं मिलती। लास्ट में जाते जाते एक मिमिक्री किसी भी एक्टर की, किसी भी पॉलिटिशियन की, जो आपके विषय हो तो आपको करके दिखानी पड़ेगी ऑन स्क्रीन। आजकल हमारे मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूँ। okay. मोदी साहब हमारे जैसे मोदी जी क्योंकि उन्होंने उनका पीछे मैं स्पीच सुन रहा था, वो बड़े अच्छे वक्ता बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैं एज ए स्टैंड अप सुनता रहता हूँ। बोलते हैं मित्रा भाई और बहनों, इंसान को शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया घूम जाती है। सनी पाजी यही सबसे बड़ी अच्छी बात है, लुधियाना से ही यहीं पैदा हुए थे वो सानेवाल में। तो सनी पाजी का है कि ऐसे तो म्यूजिक की सीढ़ियाँ बाजार में बहुत बिकती हैं, लेकिन पंजाबी गाना गाने के लिए जो कलेजा चाहिए वो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकता, जट उसे लेके पैदा होता है। के बाद आपकी काफ़ी सुपरहिट मूवीज आई बुर्रा एंड बठिंडा एक्सप्रेस, तो उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिले आपको। अच्छा। तो वो आपको कैसे लगता है कि पंजाब की तरफ से, या आप मुंबई में है तो वहाँ के लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं पंजाबी मूवीज़ को स्पेशली? ना देंगे जी, इसकी बॉम्बे में जो है मोस्टली जो लोग हैं मूवीज़ बनाते हैं दे आर वेरी मच क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं। तो पंजाब में भी अभी शुरू हो गया कल्चर, वैसा शुरू हो गया मोस्ट ऑफ क्या कि पंजाब हमारे वो कॉमेडी सेम स्टफ बन रहा था, लेकिन अभी क्या कि थोड़ा सा जो कंटेंट बेस्ड मूवी है चाहे पंजाब की है चाहे कहीं भी है वो अप्रिशिएट हर जगह होती है। लाइक बठिंडा एक्सप्रेस जो मूवी थी इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक आउट ऑफ बीट जाके ट्राई करते हैं, तो बॉम्बे में लोगों को अच्छी लगी। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर है, अभी तो वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं, दोस्तों या किसी व्यक्ति का फोन आ जाता है कि भाजी आपकी मूवी देख रहे हैं बठिंडा एक्सप्रेस नेटफ्लिक्स के ऊपर है, तो एक रेंज बढ़ गई है और लोगों के एक जो रिव्यू मिलते हैं वो भी फीडबैक अच्छा मिलता है, सो दैट इन फ्यूचर वी कैन मेक समथिंग गुड।
and you did so many comic roles in Punjabi movie. So do you want to play any role in biopic movie also? बिल्कुल करूँगा अगर कुछ यूनिक हुआ तो. हाँ यानी कि क्या कि एज एन एक्टर आप हमेशा एक हंगर रहती है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ. ठीक है चाहे वो कॉमेडी हो चाहे सीरियस हो जैसे भी घर को रिलीज होने वाली है मेरी जुम नहीं आ रहा पंजाबी मूवी है तो वो कॉलेज रोमांटिक मूवी है ड्रामा है तो उसके बाद जब भी एक फेब्रिक हमारी शूट शुरू होने वाली है जब काइंड ऑफ रॉक गैंगस्टर जैसे होते हैं कस्बे के वो एक वैसी फिल्म है तो हमारे आप सारे रोल्स प्ले कर सकते हैं. हाँ कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हर फिल्म में नया कुछ हाँ मेरे लिए कुछ एक्साइट करें उसके अंदर क्या है मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर लोगों को क्या मजे नहीं चलती क्या थी इस बार बठिंडा एक्सप्रेस में वो एथलीट बना हुआ था तो इसमें क्या करेगा अभी थर्ड में क्या करेगा वो एक मेरे को एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई मैं नया क्या करता हूँ. बॉलीवुड में आपके कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं? बॉलीवुड में अभी मेरी 15 अप्रैल को आने वाली है जूनियर. हाँ इसको सागर शर्मा ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने मेरी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की थी बुर्रा तो जूनी जा रहा थी. उसके बाद सिंघम को अभी शूटिंग चल रही है उसको टाइम जाएगा तो फरवरी में हमारी एक और शूटिंग शुरू होने वाली है मित्रा में शौक का जाना था बट इन दैट मूवी वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट यानी कि वायलेंस ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं उसका बता रहे हैं कि आप क्योंकि जैसे पंजाब में क्या कि गन कल्चर बहुत है चाहे गाने हों या आपकी पर्सनल लाइफ हो तो आपको गन रखना या पिस्तौल रखा हुआ तो एक टेंशन फील करते हैं बट आपको ये नहीं पता कि वो टेंशन आपको कहाँ लेके जाता है उसका रिजल्ट क्या है. यू फील गुड कि हाँ मेरे पास गन है या मैं पूरा वो हूँ लेकिन उसका रिजल्ट क्या है एंड क्या उस चीज़ का उसके ऊपर एक थीम के ऊपर हम लोग लेके चले. एक चीज़ जैसे पे आज हम देखते हैं हम लुधियाना में यहाँ आए हैं पारस डिज़ाइनर्स के शोरूम पे तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के कैसा फील हो रहा है इनके डिज़ाइन भी ऑब्वियसली आपने देखे होंगे तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? पारस जी के साथ मेरा रिलेशन अब का नहीं है बहुत पुराना है. जब मैं थिएटर कर रहा था तो तब से संजीव भाजी इनके ब्रदर दीपक जी जो अभी कनाडा का इंग्लैंड में रहते हैं तो वो पोइट्री करते थे मैं थिएटर कर रहा था तो हमारा एक रिलेशन जिनकी मेरा तो ऐसा लग रहा था कि जब मेरे को ये इन्वाइट किया था मुझे ऐसा लग रहा मेरे को मेरे ही घर में इन्वाइट कर रहे हो आप लोग यार. एज अ फीलिंग लाइक दैट कि मैं ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कोई बाहर से हूँ तो जहाँ मेरा होम टाउन है मेरी सिटी है वो सारे मुझे मेरे अपने ही लगते हैं. सो आई फील वेरी यू नो कि अपने घर भी बैठा हूँ मेरे घर में कुछ इवेंट हो रहा है वन पार्ट ऑफ दैट इवेंट. सर लास्ट में चाहेंगे कि जो यहाँ का यूथ है पंजाब का स्पेशली आपने भी सुना है कि बहुत ज़्यादा नशे की तरफ उन प्रमोट होते जा रहे हैं वो लोग तो लास्ट में हम चाहेंगे प्लीज़ अब यहाँ के यूथ को एक मैसेज जरूर दीजिए. यूथ एक्चुअली पता है क्या हमारा सबको सब कुछ पता होता है व्हाट आई फील पर्सनली. अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना. ठीक है तो ये ध्यान से करना मुझे भी पता है कि गाड़ी ध्यान से ही चलाना है पता हमें सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम पता होने के बाद भी हम गलतियाँ पता होने के बाद भी हम लोग गलतियाँ करते हैं. ठीक है हमारी एक एज रहती है जो उसमें क्या कि हमें अच्छे बुरे की जब मेरे घर वाले मुझसे बोल रहे हैं कि बेटा अच्छे बुरे की पहचान ना समय बताएगा तुम्हें तो हमें लगता है ये डायलॉग है फिल्मी डायलॉग्स हैं लेकिन जब रियलिटी में आप उनको फेस करते हैं यू विल गेट टू नो कि यार वो बेवकूफ़ नहीं है उनका एक्सपीरियंस है वो क्यों कहते हैं ये चीज़ें तो हम किसी चीज़ का एडिक्शन हमें कब कैसे होता है हमें पता ही नहीं चलता. हमारी जो बठिंडा एक्सप्रेस मूवी थी वो भी ऐसी थी तो यूथ के लिए एक ये चीज़ है कि यार फोकस रहो आप लाइफ में. ठीक है लाइफ में स्ट्रेस है डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो दारू पीनी है या मेरे को स्ट्रेस दूर करना है या मेरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है तो हमारे बड़े वर्ड लिए हमें हैंग आउट करना हमें ये करना हमें जो स्ट्रेस कुछ नहीं है बस चिल मारो यार शांत हो बैठ जाओ मेडिटेशन कर लो यार. ठीक है चाय पी लो यार जूस पी लो यार. मेरा तो ये है कि जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं पहले 3-4 ग्लास जूस के पीता हूँ जाके. सही बात है मेरे को पता है मैं स्ट्रेस में हूँ अगर मेरा आपके साथ झगड़ा हुआ है ठीक है तो मैं सीधा पहले जूस की दुकान पे जाऊँगा जूस पीऊंगा कि मेरा भी खून सड़ेगा ना. ग्रेट तो पहले मैं जूस पी के अपनी कैजुअल को सेट कर रहा हूँ भैया मैं जूस पीऊंगा कि मेरे को सड़ना है. दूसरा मैं खुद को मेंटेन कर लेता हूँ उस हिसाब से. सो अपने अपने फंडे हैं सो टेंशन फ्री रहो. ठीक है लाइफ में जो होना वो तो होना ही है फोकस हो जाओ कि मुझे ये करना है. काम का के स्ट्रेस काम का के बर्डन सेल्फ क्रिएटेड बर्डन्स होती हैं मोस्टली क्या होते हैं बर्डन वैसी होती नहीं है जिसे हम क्रिएट कर लेते हैं माइंड में. सो अवॉइड दैट थिंग्स और जस्ट फोकस कि मेरे को ये करना है शांत रह के करो हो जाएगा जितना पैनिक हो गए खत्म हो जाएगा. हेलो सर वेलकम टू टाइम्स पंजाब के लिए. थैंक यू मैडम. सर सबसे पहले ये बताइए जो आज हम देख रहे हैं आपके शोरूम पे एक एनजीओ से रिलेटेड आपने कुछ स्टार्ट किया कुछ लॉन्च हुआ है कोशिश एक प्रयास उसके बारे में प्लीज़ आप सबको बताइए. मैम कोशिश एक प्रयास जो है ये एक एनजीओ है जो हमने अभी सबने मिलके एक एनजीओ तैयार किया है
उसका जो मेन मोटिव है टू समाज के प्रति है, जो भी पुरानी बुराइयाँ समाज में हैं, जो भी पुराने ट्रेडिशन कुछ इस तरह के चले आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, भ्रूण हत्या है या इक्वलिटी पे है, तो ये हमने सब कुछ उसमें से उसमें एक जागरूकता लाने के लिए समाज में एक एनजीओ चलाया है विच विल हेल्प द वुमेन एज वेल एज द फीमेल किड्स, कि वो जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक सहारा मिले कि जिसके सहारा जिसके थ्रू वो आगे आगे बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट कितने पर्सन्स अभी तक आपके इस कोशिश प्रयास एनजीओ से कनेक्ट हो? आज हमारी स्टार्टिंग थी, आज हमारा पहला दिन था जब हमने इसको लॉन्च किया है, तो 15 मेंबर्स इसमें ज्वाइन किए हैं और हमारी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़े लोग काफ़ी समाज के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे जल्दी से। लास्ट में हम चाहते हैं जो आपने अभी एनजीओ स्टार्ट की है आज से, जिसमें आपने बताया 15 मेंबर्स ऑलरेडी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दें, इसको मैसेज दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो और मतलब इस कोशिश एक प्रयास एनजीओ से जुड़ने के बाद वो आपके साथ बेस्ट सपोर्ट बन के चल सके आपके साथ। मैंने मेरी ये अपील है और मेरा ये एक रिक्वेस्ट है सभी लुधियाना वासियों से पंजाब वासियों से कि कोशिश एक प्रयास से जुड़िए, क्योंकि ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पेड है, ये एक फ्री की संस्था है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और आप अगर आप कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं और मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी सपोर्ट हो सके हमारी तरफ से हम इस कोशिश एक प्रयास एनजीओ को देंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसनेजा, टाइम्स पंजाब टीवी।